माता दी, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी बारिश आज बहुत और बड़ा बेकार सा मौसम था, तो हमने सोचा कि चलो आज जाते ग्राहक को कुछ ले आते हैं बनाने को, खाने को, और जूजू को भी लेके जाते हैं। इसको ना दिन में सुबह जाना पड़ता है एक बार, कैसे दिख रहा दिक्कत। तो आज इसको कहीं नहीं लेके गए, हम खुद भी नहीं कहीं नहीं गए, तो इसको कहाँ लेके जाना था। जो जो जोजो का थोड़ा सा शीशा खोल दिया। जोजो इधर, जोजो इधर, इधर आजा आजा। मेरे से पहले आ गया, मेरे से पहले उतर गया। सो रही थी, मैंने सोचा नहीं जा जाते हैं, ले आते हैं कुछ खाने को। ऊपर कुछ मिलता नहीं खास, और यहाँ तो कुछ ऐसा मिल चीज नहीं है हमारे ना। हमने बनाना था बारिश में पिज्जा वगैरह, और पता है कोई सॉस भी नहीं है, और ऐसे भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है, बाकी तो है दालें दुले सब कुछ है। काले बादल घिरे हैं। ठीक वर्खा ही हुई, मतलब समझ जी वर्खा ही सोनी क्या चल जाए गड्डी से। रामचंद्र तो ये गड्डी क्यों नहीं रहा गाड़ी नहीं वो जब से जन्मे कन्हैया बरसा। वो तो बाएं हाथ से नहीं मेरे से पकड़ा जाता फोन मेरे ब्लॉगिंग के लिए। जाजू जाजू क्या है मम्मा, मेरे बच्चा के मेरी सुंदरी सुंदरी मुझे देखना था। मैं उबली खिड़की खोली थी, खोलो जाजू। अरे अरे ले जा जाजू, तेरे टांग लटकी रहा बोरे जाजू। अच्छा 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 लोग वापिस आ चुके हैं, और देखो जो 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 मैंने एक बन तो उधर ही खिला दिया, और मैं घर में बताऊंगी आपको क्या क्या लाया। पूछ की एक देख पूछ, पता है आजकल ना बिना पैसे के मतलब बंदा हिल भी नहीं सकता घर से। इतना सा सामान लिया हमने, थोड़ा सा सब्जी ली, थोड़ी 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 थोड़ी, क्योंकि मेरे को ज्यादातर बोला हुआ जैसे सब्जियाँ वो करने को ना भाई मेरे को पछता नहीं है। अब काफी मतलब मैं ठीक होती हूँ जब मैं परहेज करती हूँ, तो फिर तो सभी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली खाती हूँ, पर इतना करते करते ना 700 रुपया लगा हमारा अभी 700 रुपया, पूरा 700 रुपया। सोचो क्या अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ये देखो थोड़ा थोड़ा सूर्य भगवान जी आ रहे हैं, और ना रात को बहुत ज्यादा बारिश बताई है 6 बजे के बाद। इतने को दे रही है आज हम जल्दी आवाज ठीक है इसके। जोजू कैसे दिख रहा है बाहर? जोजू के मम्मा नहीं, दे आ, आ। तू आगे देख, इतनी देखो कितना प्यारा व्यू दिखता है। मैंने कहा चलो एक वीडियो भी आपको मौसम भी दिखा दूं कि पहाड़ों में बहुत ठंड हो जाती है, और बर्फ का भी कोई नामो निशान नहीं है। मेरे पैरों में ठंड लग रही है। ये मेरा सामान पड़ा है, घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या लिया है, कितना क्या क्या रुपए किलो है, और आप भी बताना, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर चीज 10 रुपए ज्यादा ही मिलती है।
तो चलिए अभी लो हम लोग, मैं उतर रही हूँ, मेरे को क्योंकि ना वो करना है, गेट खोलना है आगे जाके। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं, और पता है मैं गेट कर लेती हूँ, कल भी मैंने शाम को गेट खुला ही छोड़ दिया था। पजामा लिया मैंने अपने लिए, ये देखो गरम पजामा। ये थैली की नहीं छट्टी होगी यानी, ये थैली आ जाओ, चलो आ जाओ, आ मिठू दे अब तो, आ जाओ आ जाओ आज मैं पूछ दे मांग दे हाँ भाई थने बिल्ली ये दे बिल्लू है पर ये उतरा था बढ़िया रुके एक मिनट पर खून नहीं मैं तो लाती ना हमेशा काम की चीज ठीक ले आए अमरूद अंदर आपको ले अंदर बता 60 रुपये किलो है 60 रुपये किलो है अमरूद 10 वीडियो दस श्री शरारता चलो जो 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 चलो आ मिट दो ले 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 बिल्लू आ बिल्लू ले बिल्लू दे बिल्लू के दे देख के दे जो बिल्लू के दे चलो 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 आजा 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 आ मैं पूछ दे जमे बच्चा आजा जो देना दे लगे आजा आजा मैं पूछ दे आजा आ चलो 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 आ छोड़ा पकड़ उसका गबर मत कर लेना ना बालों को मन दे पकड़ सब ताकिया चल यार ये जो गुब्बे नीना समाया देख रहा है पानी पून लिया होना देख रहा ये चप्पल मैं पितरों के लिए थे बाथरूम चप्पल इन्होंने नाश करती तुझे इतनी है ना सारी ओए ओ जोजू मेरे नवे पजामे बाल गए नया पजामा गर्म पजामा लिया मैं वो मैंने सारे पोछा लगाया फिर से रहता है गंदा और दे चल इसके तो बाहर ही रख इसमें छूना भी दूर जुलमा बारिश के बाद ऐसा तो जैसे पहाड़ियां धोई हुई है ये देखो अब दिखाती हूँ मैं आपको पजामा ये देखो ये लिया हमने इतना प्यारा है ना इसका गर्म हाँ कि हमने पहले अमरूद धोया वो भाई कितना मस्त अमरूद मैं मेरे को देखने दे नहीं कीड़े वैसे होते तो है नहीं थकना रहे हिंड तो ये ब्लैक पेपर और साथ में डालेंगे इसमें नमक का ब्लैक साल्ट सब भी पांदे ने पांदा से और कथा लेते कटोर तो ये देखें ये देखो एक ये ब्रेड किलो में अमरूद लेके आई थी और एक किलो जिमीकंद है जिमीकंद क्या किलो दिया 40 रुपए 60 रुपए कुछ ऐसा सा 60 रुपए अमरूद दिए एक ये ब्रेड और ये गोभी 40 रुपए दी 40 रुपए किलो और ये मटर 60 रुपए किलो टमाटर 40 रुपए किलो ये देखो बस इतना सा सामान 600-700 रुपए का आया बस क्या खरीदना क्या खाना क्या कमाना
तो आज एक दिन बाद हमारे ना बस आए, क्योंकि कल टिप्पर था यहाँ फंसा हुआ, टिप्पर खराब हो गया था रेते का। ये देखो अभी जा रही है, वो देखो मौसम प्यार। मैंने दे दिया गायों को खाने को, अब मेरे को आग जलानी है, आग के पास बैठना है, फिर गर्म पानी लेके गई थी, गर्म पानी में भिगो के दी फीड। ठंडे पानी से तो हम पशुओं को आजकल मैं कुछ भी नहीं देती, ना ठंडा पानी पिलाती हूँ ना ठंडे पानी से कोई भी चीज़, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलो आग जलाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे गाय दूने। आज जल्दी दूनी है, रोज़ लेट हो जाती हूँ मैं। पर ये हुआ कि आज रात को ना बहुत अच्छी बारिश हुई पिछली रात को। मैं आपको ऊपर चल के छत से व्यू दिखाती हूँ, बस अभी व्यू भी दिखाऊंगी और क्या हम बनाएंगे वो शाम के टाइम शेयर करूँगी आपके साथ। तो खिचड़ी बना रहे हम, अभी हमारे लाइट भी नहीं है यहाँ पे, लाइट ही नहीं है आज, पता नहीं क्या बात है। और चलो जो हमारा अब जो हमारी कणक थी वो तो नहीं आ सकती, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, वैसे आज भी बादल है और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारे कणक होनी थी ना वो नहीं होगी, अब बारिश तो होगी लेकिन क्या होगा कि चलो हरा भरा हो जाएगा, पशुओं को घास घास हो जाएगा, मतलब हरा उसमें लूंग आ जाएगी, और धूल बैठ गई घास में, इतनी धूल हो चुकी थी कि पशु बीमार हो रहे थे, आदमी तो हो ही रहे थे बीमार, पशु भी बीमार हो रहे थे। और अभी पशु बाहर नहीं बांध सकते बिल्कुल भी, ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है जो ये ठंड है ना, ये तार ठंड है, इससे बीमार नहीं होते इस वाली ठंड से। और लोग लकड़ियों को जा चुके हैं वहाँ पे बाहर सामने ना, ये कैसे बांध रहे हैं। और मैं तो बस अब मैंने बस गायों का किया था सुबह काम, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और अब लगता है कि आज भी बारिश होने वाली है, तो आज हमारे बोलते हैं बरसों का त्यौहार कि एक साल बाद आता है ये त्यौहार। और जोजू देखो मेरे पीछे पीछे आ गया, पर आज ठंड बहुत है। जोजू चलो नीचे चलते हैं बेटा, नीचे जाने मम्मा, नीचे जाने मम्मा। तो पहाड़ियां ऐसे लगती हैं जैसे धो रखी हैं, ये बहुत प्यारा व्यू लगता है सबको। और भगवान आप सबके घरों में बहुत खुशहाली लेके आए बहुत सारी, और आपको हमेशा खुश रखे, आपके बच्चों को कामयाब करे। मैं आप सबके लिए हमेशा यही दुआएं मांगती हूँ। और देखो कणक ना अब ना, मतलब बारिश तो हो गई लेकिन अब वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए थी ना, कणक वैसी नहीं होगी। नहीं तो अगर बस यही बारिश अगर थोड़े दिन पहले पड़ जाती ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो, मतलब कणक होती, मेरे तो बहुत ज़्यादा होती क्योंकि मैंने काफ़ी खेतों में वो की है। और चलो अब ऐसा होगा पशुओं के लिए हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो चुकी है ना कणक की, अब जब उसकी उम्र पूरी होगी तो बारिश होती रहे तब कोई फायदा नहीं। मैं तो जा रही हूँ नीचे रसोई में, बहुत ठंड लग रही है मेरे को। और मम्मी पापा पता नहीं कहाँ चले गए, यही थे आज तो घर पे ही हैं। तो बस एक बार फिर से सबको साजी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलते हैं पुराने टाइम से बोलते थे कि लोहड़ी से ना अब दिन बड़े होने लग जाने, वैसे तो 25 दिसंबर के बाद भी काफ़ी फर्क पड़ गया था, लेकिन अब लोहड़ी के बाद जो है थोड़े थोड़े दिन ना बड़े होने लग जाएंगे। मेरी आंखों में पड़ा कुछ, और अब बारिशें भी बताई है, अब लोहड़ी के बाद बारिशें होगी ऐसा बोलते हैं, कुछ पख पुख का होता है पता नहीं क्या होता है। और मैंने देखो कोटी भी नहीं पहनी है, पता है कल कोटी पहनी थी सारा दिन है ना, तो कोटी वो भारी होती है ना, मेरे कंधे इतने कमज़ोर पड़ गए, कंधे कुछ भी नहीं उठाया जाता, कोटी का वजन नहीं उठा सकती। तो आज मुझे लगता नहीं कि घास आ पाएगा, तो ठंड बर्दाश्त कर लूँगी सहन, पर वजन ये बाजू का नहीं होता सहन। तो आज मैंने घास को जाना है, बाकी राम राम जय माता दी। और बाजू मैं दिखाती हूँ, रुको देखो मेरे बाजू में ना कोहनी जम गई, ये देखो ठंड की वजह से, ये देखो। चलो ठीक है, जय माता दी, जोजू जय माता दी, जोजू जय माता दी, जोजू।